नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। मैं इस देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना का खतरा खत्म हो गया है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूरोप में ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है, वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मगर आज मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। आप में से कई लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। मैं जब सुबह वॉक करने जाता हूं दोस्तों, मैं कम से कम 70% ऐसे लोग देखता हूं जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होता है। क्या कोरोना का खतरा खत्म हो गया है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, इसी तरह से इसी साल की शुरुआत में फरवरी मार्च में हम लोग लापरवाह हो गए थे और फिर कोरोना की ऐसी दूसरी लहर आई जिसमें लाखों लोग मारे गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, तीन चिंतित करने वाली खबर, हालांकि ये बहुत ज्यादा घबराहट पैदा करने वाली खबर नहीं है, मगर मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। दिल्ली में आया ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला, जिम्बाब्वे से लौटा था युवक। खबर क्या कह रही है इस पर गौर कीजिएगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली से जिम्बाब्वे पहुंचे एक यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद मरीज के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बारे में पता चला है। आगे ये भी लगा हुआ है, दिल्ली में विदेश से आने वाले लोगों के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती 27 मरीजों की अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। इनमें 25 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2 लोगों के सैंपल में ओमिक्रॉन आया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स आए हैं सामने। पटना की खबर देखिए, दैनिक भास्कर की। पटना में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव और उसके संपर्क में आए 100 लोगों की जांच की पुष्टि। 24 घंटे में 12 नए मामले, पटना में 6 लोगों की हुई पुष्टि। उधर मुंबई में सरकार जो है अभी से सतर्क हो गई है, खबर आपके सामने। अमिड ओमिक्रॉन अलार्म, मुंबई बैन्स लार्ज गैदरिंग्स फॉर 2 डेज। द टैली फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शंस फाउंड इन महाराष्ट्र रोज टू 17। महाराष्ट्र ने बड़े पैमाने पर जो लोग जमा होते हैं उस पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 17 केसेस ओमिक्रॉन के आ गए हैं। क्या देश की जनता ये बर्दाश्त कर सकती है कि हम कोरोना की एक और लहर का सामना करें उस वेरिएंट के जरिए जिसके बारे में कुछ नहीं पता है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सरकार चेतावनी दे रही है और ये चेतावनी आपके लिए है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क लगाने की लापरवाही को लेकर दी चेतावनी। खास बातें क्या है दोस्तों, इन पर आप गौर कीजिएगा, एनडीटीवी की रिपोर्ट है। इसके साथ ही सरकार ने मास्क के उपयोग में कमी और कोरोना प्रोटोकॉल की कोताही को लेकर चेतावनी भी जारी की है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है, WHO मास्क के उपयोग में आई कमी को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। कोरोना को लेकर वैश्विक चिंता है, हमें याद रखना है कि दोनों वैक्सीन्स की डोज और मास्क बेहद जरूरी है। कुछ सवाल सरकार से है और कुछ सवाल जनता से, क्योंकि जनता को जागरूकता दिखानी होगी मास्क को लेकर। अब सरकार से मेरे कुछ सवाल। BBC की रिपोर्ट देखिए दोस्तों, कोविशील्ड इंडिया वैक्सीन मेकर हाफ्स प्रोडक्शन। क्या आप जानते हैं कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन 50% गिर गया है? मैं जानता हूं कि कई लोगों को वैक्सीन मिल गई है, कई लोगों को, कम से कम जो वयस्क लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद को वैक्सीनेशन मिल गई है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह सरकार मुझे भरोसा दिला सकती है कि आपने जो वैक्सीन डोजेस में कमी लाई है या वैक्सीन प्रोडक्शन में जो कमी आई है, क्या देश उस खतरा का अब सामना नहीं करने वाला है? मैं आपको बताना चाहता हूं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है आधार पूनावाला और उन्होंने CNBC टीवी को इंटरव्यू में क्या कहा आपके सामने। आई एम इन अ डायलेमा व्हिच आई नेवर इमेजिन टू बी। आई एम प्रोड्यूसिंग 250 million डोजेज ऑफ कोविशील्ड अ मंथ, बट द गुड न्यूज इज इंडिया हैज कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड वी विल हैव कंप्लीटेड ऑल आवर ऑर्डर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन अ वीक्स टाइम। आगे गौर कीजिएगा, वी हैव नो अदर ऑर्डर्स एट हैंड, सो आई एम गोइंग टू बी रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन बाय एटलीस्ट 50%। अब उनके पास सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है,
इसलिए वो 50% कम कर रहे हैं कोविशील्ड वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है। कांग्रेस भी मुद्दे उठा रही है भास्कर की इस खबर को लेकर। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर, दुनिया बूस्टर डोज बढ़ा रही है, हम टीके भी घटा रहे हैं। बूस्टर डोज के बारे में सरकार यह बयान दे चुकी है कल कि बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई क्यों? और सबसे दुख की बात है कि हम टीके घटा रहे हैं। खबर देखिए, देश में जब से ओमिक्रॉन आया है टीके बढ़ने के बजाय 8.5% घटे, टीके कम हो रहे हैं और टीकों का प्रोडक्शन भी 50% कम हो गया। मैं सरकार से सवाल पूछता हूं कि आखिर सरकार ने क्या सोचकर ऐसा किया है? क्या सरकार इस देश को यह भरोसा दिला सकती है कि अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने वाली है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं इसी साल अप्रैल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था, अप्रैल में ही, 7 या 8 अप्रैल की बात है, कि बगैर वैक्सीनेशन के हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली। कितना शर्मनाक बयान था दोस्तों। और उसके बाद आप जानते हैं अप्रैल मई और जून के महीने में किस तरह की तबाही, किस तरह का हाहाकार मचा। क्या यह सरकार मुझे भरोसा दिला सकता है कि आप टीके घटा रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन घटा रहे हैं, कहीं इसका नुकसान देश को तो नहीं होगा? क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, मोदी सरकार कैसे निपटेगी कोरोना से जबकि कोविड वैक्सीन की गति घट रही है? दिसंबर तक सबको वैक्सीन नहीं लग पाएगी। बूस्टर डोज के बारे में कोई नीति नहीं है। 18 साल से कम के लिए कोई वैक्सीन नीति नहीं है। ओमिक्रॉन की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है। मेरा देश जवाब मांगता है। और खबर देखिए दोस्तों, सरकार क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर, नो नीड फॉर कोविशील्ड थर्ड डोज, गवर्नमेंट पैनल रिजेक्ट्स सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्ली, वॉन्ट्स मोर डेटा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोविड की तीसरी डोज या बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है, सरकार यह कह रहा है। खबर देखिए आपके सामने, गवर्नमेंट पैनल सेज नॉट येट फॉर कोविशील्ड बूस्टर डोज। दोस्तों दुनिया भर में कोविशील्ड का जो बूस्टर डोज है, यानी कि जो तीसरा डोज है, तीसरा टीका है, वो लगाने को लेकर जबरदस्त काम चल रहा है और हमारी सरकार ने मना कर दिया है यह कहते हुए कि साहब कि इस पर एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट नहीं आई है। तो बगैर रिपोर्ट आए आप यह फैसला कैसे कर सकते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है? मैं आपको बतलाता हूं असमंजस क्या है सरकार के रुख में। ये देखिए, एक्सपर्ट ग्रुप्स कंसिडरिंग साइंटिफिक एविडेंस ऑन जस्टिफिकेशन ऑफ कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज। लिखित में लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि अभी जो एक्सपर्ट गुट हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है, उसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण क्या हैं, ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री कह रही हैं। और इस जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने मना कर दिया कि बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है, तीसरे डोज की कोई जरूरत नहीं है। इस सरकार ने कोरोना को लेकर लगातार लापरवाही बरती है, असमंजस रहा है, इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनावों में रहा है। और अब और चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होगा, उत्तराखंड में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश ने किसी भी हालत में जीतना है। आप बताइए ना, जिस सरकार का ध्यान लगातार चुनावों में होता है, आपको लगता है इन तमाम चीजों पर उसका ध्यान संजीदगी से जा रहा होगा? और आप और हम जो इस देश की जनता है, हम लापरवाही बरत सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप में से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के डोजेस नहीं लगवाए हैं, प्लीज जाइए। नंबर एक। नंबर दो, मास्क। मास्क इसका समाधान है, कृपया लापरवाही मत बरतिए। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों आज की तारीख में जब मैं मार्केट जाता हूं, अधिकतर लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं है, गायब है, नदारद है या क्षम है। यह नाकाबिले माफी है। हमें अंदाजा नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ क्या गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में कई तरह की चीज सामने उभर कर आ रही है कि वो हमारे बच्चों के लिए घातक हो सकता है। एक थ्योरी ये भी है, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ओमिक्रॉन हमारे बच्चों पर बड़ा असर डालता है, क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्योंकि हम तो लापरवाही लगातार दिखा रहे हैं ना। जब सरकार लापरवाह हो तो जनता को जागरूक बनना पड़ेगा, समझे कि नहीं? फिर देखिए खबर न्यूज 18 की, सरकार ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत को नकारा, एक्सपर्ट कमेटी ने और डेटा मांगा। आप नकार कैसे सकते हैं यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं,
क्योंकि इस सरकार ने बार बार यह प्रमाण दिया है कि कोरोना को लेकर जो मुद्दा है उस मुद्दे के नब्ज पर इसका हाथ नहीं है। आईएमए ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हाल ही में चेतावनी दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, ओमिक्रॉन खतरनाक हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार के लहजे में, भाजपा सरकार के लहजे में क्या उस मुद्दे को लेकर गंभीरता है, और अगर गंभीरता नहीं है, अगर आप जनता राम भरोसे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है बताइए ना। जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि हम अपने परिवार का ख्याल रखें, उसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। सतर्क रहें, सहज रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।